साहब को सब हम सभी लोग आमंत्रित कर रहे हैं, आप आए और हमें आशीर्वचन। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सलीम खान जी, नरेश जोशी जी, पूर्व अध्यक्ष सैयद अंसारी जी, यहाँ हमारे वरिष्ठ नेता और मेरे साथी मंत्री सालिम मोहम्मद जी, सुभाष गर्ग जी, प्रभारी मंत्री राजेंद्र सोलंकी जी, मनीष पवार जी, किस्ताराम विश्नोई जी, महेंद्र विश्नोई जी और बद्रीराम जाखड़ साहब, संगीता मेनका जी, सुनील प्रजार जी, बिनाका मालू जी, रमेश भावना जी, अब्दुल करीम जोनी, विक्रम विश्नोई जी, उप प्रमुख साहब चित्रराम देशबंधु जी, सचिन सरवटे जी, कीर्ति भील, रामलाल विश्नोई जी, या हमारे कई वरिष्ठ बैठे वाइस चांसलर रहे हुए हमारे पूर्व कुंवर सिंह राजपुरोहित, गंगाराम जाखड़ साहब, अयूब खान साहब, गणपरिंद चौहान जी, मई राज जी, अरिंदर राठौर जी, पंकज प्रताप सिंह जी, तो तमाम जो हमारे यहाँ कांग्रेस परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, जिला कार्यकारिणी के सदस्य रहे होंगे या ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम भाई और बहनों, नौजवान साथियों, जो हमारे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस के तमाम साथी, बहुत लंबे अरसे बाद में मुलाकात आपसे हो रही है, क्योंकि आपके काम में आप बैठ के कर रहे थे जयपुर का। अगर जयपुर मेरी कलम चलती है पूरे प्रदेशवासियों के लिए, तो पूरे प्रदेशवासी जोधपुर वासियों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मैं आपका प्रतिनिधि हूँ, यहाँ से MLA भी हूँ। तो जोधपुर का मान सम्मान हमेशा बना रहे, ये मेरी ख्वाहिश रहती है। उसी रूप में मैंने, जब से मैंने पार्लियामेंट में भेजा मुझे आपने, तब से मैं दिमाग रखता हूँ कि कैसे जोधपुर का प्रतिनिधि होने के नाते, समाज के हिसाब से, कार्यकर्ता के हिसाब से, मैं वो काम करूं जिससे कि मान सम्मान बढ़े सबका। कोई ऐसा काम नहीं करूं जिससे कि आप लोगों को नीचा देखना पड़े। और मुझे खुशी है कि मैं उसमें, मेरे ख्याल से मैं कामयाब रहा। मुझे तीसरी बार सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री बना दिया, तीसरी बार मरना बहुत बड़ी बात है देश के अंदर। वो तो बोलते थे ना, वो कौन बोले, वो 25 थी उनकी, तो कुंती ने मुझे 140 साल जिंदा रख रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी है, आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से, आपको मालूम है कि कोरोना काल के अंदर भी, अभी जब मुझे 2 बार कोरोना हो गया, दूसरी वेव बहुत खतरनाक थी, उसमें भी हो गया, और पोस्ट कोविड जो है, कोरोना के बाद में कहते हैं पोस्ट कोविड, उसमें 30-40% लोगों को तकलीफ होती है, कि थकावट आती है, किसी को किडनी खराब, किसी का लीवर खराब, किसी का हार्ट में तकलीफ आती है, और मुझे भी आई। आप सबने सुना होगा, मेरे भी हार्ट में स्टंट लगा, पर मैं आपकी दुआओं से बच गया। लगता है ईश्वर जो है, अभी पूरे प्रदेश की और जोधपुर की सेवा करने के लिए मेरे को अभी उन्होंने इजाजत दे रखी है, और मैं अंतिम सांस तक सेवा ही करता रहूंगा। मेरा जिंदगी का मकसद ये है, सेवा करना बचपन से ही, कोई और कोई मेरे बारे कोई काम है ही नहीं, सिर्फ सेवा सेवा सेवा। और गांधी ने कहा था, गांधी जी ने,
जब आजाद हो जाए मुल्क, तो जो आप कोई मंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, और कोई आपको कभी संशय लगे कि मैं क्या फैसला करूं फाइल के अंदर, और आप अगर संदेह से घिरे हुए हो, तो आप उस व्यक्ति को याद करो जो जिंदगी में आपने किसी को देखा है सबसे गरीब आदमी, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है। फिर आप फैसला करोगे तो आपको अपना रास्ता मिल जाएगा कि उसके पक्ष में क्या जाता है, वो फैसला करो। मैं समझता हूँ कि उसी भावना के साथ में कोशिश की लाइफ के अंदर काम करने, पर मैं बच गया। हार्ट का जो मेरा प्रॉब्लम था अचानक ही आया, अचानक ही वो स्टंट लग गए। एक बार तभी बच गया। उसके पहले सरकारें गिरा रही है, जो कहते राजस्व ने कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई राज कर रही है देश में। ईडी का आतंक मचा हुआ देश के अंदर, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ये लोग धजिया उड़ा रहे हैं संविधान की, लोकतंत्र भी खतरे में देश के अंदर, अभी मनमानी चल रही है। 8 साल के अंदर छापे उन्हीं के यहाँ पड़े जो कि बीजेपी के साथ में नहीं है लोग, चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो। तो आप सोच सकते हो कि जिस रूप में छापामारी हो रही है इनकम टैक्स की, ईडी की, सीबीआई की, वो क्या संदेश दे रही है देश के अंदर। सरकार गिरा रहे पैसा खर्च करके, इतना कूट धन इकट्ठा कर लें लोगों ने, बाकी पार्टियों पर कुछ है ही नहीं, और डराते हैं उद्योगपतियों को कि आप ध्यान रखिएगा अपना खुद का, मतलब आप किसी पार्टी को सर्व नहीं करोगे, सिर्फ बीजेपी करोगे। और एक और इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया आजकल, वो सिर्फ 98% मिलता है बीजेपी को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर नहीं रहा अभी तक। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी है कि वो प्रायोरिटी पे है कि इसको सुने जो देश हित में हो। देश का लोकतंत्र उससे खत्म हो रहा है, क्योंकि पैसा एक पार्टी के पास में है हर काम के लिए, और अब तो इनके इतने हौसले बढ़ गए हैं, उस पैसे का दुरुपयोग भी कर रहे हैं लोग सरकार गिराने के लिए। पहले गिरा दी कर्नाटक की सरकार खरीद फरोख करके एमएलए को, फिर मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, चुनी हुई हमारी सरकार थी, अभी महाराष्ट्र की गिरा दी है, और राजस्थान में उनकी दाल मैंने गलने नहीं दी है। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो पूरे प्रदेश की जनता मेरे साथ खड़ी रही। तमाम विधायक जो है 34 दिन तक जैसलमेर में और जयपुर में मजबूत रहे। एक विधायक बाहर जाता अगर छोड़ के, मुझे पहली किस्त बनी 10 करोड़ की बनी थी, पहली किस्त 10 करोड़ की थी। आप कल्पना कीजिए, जहाँ मध्य प्रदेश में 30-35 करोड़ पे बटे, और यहाँ 10-10 करोड़, तो पहली किस्त के मैंने बताया आपको, तो उसके बाद में ही एक आदमी छोड़ के नहीं गया 34 दिन तक, एक भी नहीं गया। तो इंडिपेंडेंट थे, बीएसपी के लोग आए हुए थे, सीपीएम के थे, बीटीपी के थे आदिवासी, और बाकी साथी हमारे खुद के थे। तो कहने का मतलब ये है, ये पहली बार देश में हो रहा उस रूप में, और धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। दुनिया के मुल्कों में जहां धर्म के नाम पे राजनीति हुई, वहीं बाद में लोकतंत्र समाप्त हो गया, वोटों का राज खत्म हो गया, और तानाशाही कसासन हो गया, हिटलर से लगा के सब जगह देख लीजिए आप। ये जो भड़का रहे हैं हिंदू के नाम पे, कई लोगों को अच्छा लगता है, पर देश अगर एक रहा है, अखंड रहा है 75 साल, इसलिए रहा है कि सभी वर्गों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी भाषाएं बोलने वाले लोगों को, जातियों को साथ लेके चली कांग्रेस। जान दे दी इंदिरा गांधी ने, पर आतंकवाद का मुकाबला किया, खालिस्तान नहीं बनने दिया। सरदार बहन जी भी थे, उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया आतंकवाद को, उनको बम से उड़ा दिया गया, राजीव गांधी शहीद हो गए।
रशिया जैसा मुल्क जो हमारा मित्र था, अमेरिका के मुकाबला का मुल्क था, 16 टुकड़े हो गए उसके। अभी यूक्रेन के साथ में जो लड़ाई चल रही है, देखते होंगे आप न्यूज में, तो यूक्रेन भी रशिया का ही पार्ट था पहले। तो आप सोचिएगा 135 करोड़ की आबादी का मुल्क हिंदुस्तान जो एक अखंड है। कांग्रेस का डीएनए जो है, गांधी जी के वक्त का, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबू कलाम आजाद और भी कई बड़े बड़े नेता थे उस जमाने के, कई शहीद हुए, भगत सिंह जैसे लोग फांसी के फंदे पे चढ़ गए, सुभाष चंद्र बोस ने अलग फौज बना ली अपनी, गांधी का रास्ता अहिंसा का अलग था, गोपालगढ़ ने गोखले से लगा के लोकमान्य तिलक वो अलग तरह से संदेश देते थे। तो इतने बड़े मुल्क में ज्ञात अज्ञात कितने लोगों ने, सभी धर्म के लोग थे उस वक्त में, सभी जाति के वर्ग के लोग थे, ये मुल्क आजाद हो गया। ये जो आज राज में बैठे हैं, इनका कोई संबंध नहीं था उस आजादी की जंग के लिए, बल्कि इनमें कई लोग तो मुखबरी करते थे उनकी, अंग्रेजों की, अंग्रेजों मुखबिर थे कई लोग, ये हकीकत है, रिकॉर्ड में ही बात है। पार्लियामेंट में मैं खुद था, आपके भेजा हुआ था, मैंने खुद ने सुनाया आंखों से, वहां पर कोई जवाब इनके पास नहीं है। आज वो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम पोस्टर गायब कर दिया, क्या बगैर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 10 साल 12 साल से जेल में बंद रहे, मोतीलाल नेहरू जेल में गए, आनंद भवन इलाहाबाद का जहां बैठे गांधी जी ने आंदोलन चलाया आजादी का, वो देश को दे दिया, समर्पित कर दिया आनंद भवन, आप बताइए। और पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे 16 साल तक, जिन्होंने नींव मजबूत करी थी इसकी, उसके ऊपर आज ये 75 साल का सफर तय करते करते आज हम लोग खड़े हैं, आधुनिक भारत है। बिजली क्या होती है लोग समझते नहीं थे उस वक्त, मेरे आजाद हुआ भारत, राजा महाराजाओं के महलों में टीम टिमाटी थी जनरेटर से बिजली, वो बिजली थी, कहाँ स्कूलें थी, कहाँ कॉलेज थे, कहाँ स्वास्थ्य सेवाएं थी, कहाँ सड़कें थी, कुछ नहीं था देश का। आज क्या नहीं है, आप चांद सितारे की तरफ जा रहे हो, 100 सैटेलाइट छोड़ रहे हो, आप दुनिया पूरी दुनिया के मुल्कों के सैटेलाइट आप छोड़ रहे हो, इसरो से इंस्टीट्यूट से आप 100 सैटेलाइट, आपने देखा होगा 5000 साल पहले छोड़े गए एक साथ में 100 सैटेलाइट जो घूमते हैं आकाश के अंदर, ये मोबाइल फोन और जो चलते हैं आपके उसी से चलते हैं, कहाँ पहुंच गए हम लोग। और मोदी जी कहेंगे कि देश में 70 साल में कुछ नहीं हुआ, बताइए आप, कुछ नहीं हुआ। आप जाते हो विदेशों के अंदर, आपका मान सम्मान होता है, इसलिए होता है आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए हैं, जिस मुल्क में 75 साल के बावजूद भी लोकतंत्र काम रहा है, पाकिस्तान की तरह दो टुकड़े नहीं हुए वहां पर, पाकिस्तान की तरह सैनिकों का शासन नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर, इतना बड़ा मुल्क अनेकता में एकता वाला, तब भी यहाँ पर ये मुल्क लोकतंत्र वोटों के राज को कायम रखा। जिस मुल्क में वोटों के राज कायम होता है उसका मान सम्मान दुनिया करती है, क्योंकि सबसे अच्छी पद्धति कोई है वो पद्धति है लोकतंत्र वोटों के राज, जिसमें गरीब से गरीब आदमी को भी मत मिलता है, उनके पैरों में हाथ लगाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है, दुआएं मांगनी पड़ती है, ये लोकतंत्र है, सबसे अच्छी पद्धति दुनिया में कोई है तो ये है, वो हमने कायम रखी है। इतने सम्मान मिलता मोदी जी को, तब अहम घमंड ऐसा भयंकर हो गया है कि मुसलमान के बगल में चुनाव जीत रहे हैं, जूत क्या मुसलमानों के, हमें जीत रहे हैं वास्तव में, यूपी में देख लीजिए एक टिकट नहीं देते वो, अगर एक टिकट नहीं देते 402 टिकटों में से तुम्हें जीत रहे चुनाव, ये कोई शुभ संकेत नहीं देश के लिए, चुनाव जीतना एक बात है, इतिहास बनाना दूसरी बात है। इतिहास में नाम आपका किस रूप में लोग याद करेंगे आने वाली पीढ़ियां वो तीसरी बात है। आप अमृत महोत्सव मना रहे हो और आज की पीढ़ी को बताना चाहिए, मोदी जी खुद भी पैदा हुए मेरी तरह आजादी के बाद पैदा हुए, तो बताना चाहिए आज की पीढ़ी को, भाई देखिए हमारे नेताओं ने त्याग बलिदान कुर्बानी किए, तब हम आजाद हुए, हम गुलाम थे, गुलामी में हमारी ये दिक्कतें थी,
आजाद भारत में खुली हवा में सांस ले रहे हैं हम लोग, और पिछले साल में सरकारें कोई नहीं हो, लोकतंत्र सरकार बदलती रहती, आज हमें चांस मिल गया है काम करने का, पर आज जो विरासत में मिली है उनको हम कैसे बोल सकते हैं। अगर आप मोदी जी बोले, अगर मोदी जी कहे, हर प्रधानमंत्री ने, हर शासन ने राज्यों में केंद्र में अपने में ढंग से देश को बनाने का काम किया, तो क्या दिक्कत है उनको? क्या वो खाली इवेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं अमृत महोत्सव की, तो आज नई पीढ़ी समझ रही है कि ये जो उपमान है ये देश के त्याग बलिदान को बता नहीं रहे हमारी पीढ़ी को, ये इतिहास को समाप्त करना चाहते हैं, जो सुंदर इतिहास है, स्वर्णिम अक्षरों लिखा हुआ इतिहास है, तो ये पीढ़ी जो नहीं पैदा हो रही है कल शासन नहीं करेगी देश के अंदर। ये फिर क्यों मोदी जी और इनके शासन को इतिहास में दर्ज करवाएगी, क्यों अगली पीढ़ी को बताएगी? तो जो विरासत में हमें गर्व करना चाहिए नई पीढ़ी को, और गर्व करके ही आदमी अपने आप को शासन के लायक बना सकता है कि मैं जिस हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, आज मैं MLA बना, MP बना, मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। तो आप जिस प्रकार से तोड़ मोड़ रहे हो, कोई मिटा सकता पंडित नेहरू का नाम? जेलों में बंद रहना, उस जमाने की जेलों में 10 से 12 साल तक, कोई मामूली बात है? जिस प्रकार ये बैस बनाते हैं, जिस प्रकार ये अम्बेडकर को उनका संविधान बनाया गया है, अम्बेडकर शूट करता तो अम्बेडकर नाम लिखने लग गए, कभी ये अम्बेडकर के साथ दे रहे हैं। जनसंघ था पहले, ये बाद में बनी भारतीय जनता पार्टी। जनसंघ के वक्त मैं बचपन से देखता हूँ, ये कभी इनकी पैरवी नहीं करते थे, दलित वर्ग के नहीं करते थे, पूछते नहीं थे किसी को। आज गांधी को अपना रहे हैं, सरदार पटेल ने तो RSS पे बैन लगाया गांधी जी के जोई पर, और फिर इनके लिखा के लिए इनसे माफी मंगवाई, उन्होंने माफी मांगी RSS ने, हम जिंदगी में कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, हम खाली सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करेंगे। और आज वो वापस राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं, बीजेपी शासन बनाए उनके बलबूते पर, पूरी राजनीति खेले वो लोग, और सरदार पटेल ने जिसे बैन लगाया था उनकी आदमगढ़ मूर्ति लगाई है, आदमगढ़ की बड़ी आदमगढ़ लगाई है मूर्ति मोदी जी ने, जहाँ इनको शूट करा गांधी, पटेल, अम्बेडकर को अपना लिया, ये सब ये इनके नाटक है। अगर हम जनता को नहीं बताएंगे कि कांग्रेस का DNA और देश के आम लोगों की सोच का DNA एक है, संविधान के मूल भावना का अनुरूप है, और यही देश को एक अखंड रख पाएगा भविष्य में, यही देश को आगे बढ़ा पाएगा, सब धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति के लोग आपस में प्रेम भाव रखें। मैं बार बार प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आज पूरे देश में इतना माहौल टेंशन का हो गया है, दंगे होते कई बार धार्मिक जुलूस पर, अनावश्यक अविश्वास हो गया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन में, मोहल्ले के अंदर मान लो कोई जो माइनॉरिटी में रहते हैं कम संख्या में लोग, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, हमेशा करता पता नहीं कि दंगा पड़ेगा तो ये दूसरे वाले जो मेजोरिटी में क्या करेंगे, हमारा हिंदू भी चिंतित में कर रहा है, मुस्लिम भी चिंतित कर रहा है। अब ये जो हिंदू मुसलमान की इतनी दीवार खींच दी गई है, चाहे देश हित के अंदर है, वो सोचने की बात है। आज तो चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, पर क्या देश का फ्यूचर जो है उसको मजबूत करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, जो आप हुकूमत में है, और आप कैसे प्रधानमंत्री बने हो? इससे बने हो कांग्रेस ने लोकतंत्र कायम रखा है, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, 2 मिनट लगाए सत्ता सौंपने मोरारी भाई देसाई को, इससे बनो आप, और घमंड नहीं करना चाहिए उनको भी। इंदिरा जी चुनाव आ रही, आंधी चली वापस, सरकार आ गई हमारी, मैं भी मेंबर पार्लियामेंट तभी आज मैंने बनाया था, मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष था नरेश और सलीम की तरह, मैं पूछा इनकी तुम्हारी उम्र कितने के, 55 साल का, 50 साल का दोनों है ये, और मैं बन गया था 28 साल के अंदर जिला अध्यक्ष,
तब से मेरा सफर तय है कि किस रूप में मैं अगर मैं ये काम करने लगा तो नई पीढ़ी जुड़ने लगी मुझसे। अब ये कह रहे थे आप बहुत नौजवान जुड़ते जा रहे हैं, तो मुझे याद आ गया मेरे दिन कि मैं भी उस जमाने के अंदर जब दिल्ली में रैली में ले आते लोगों को, जेल भरो अभियान में भाग लिया, जेलों में गए, लोग जुड़ते गए मुझसे, मौका आया तो मुझे मेंबर पार्लियामेंट बना दिया, सब नेताओं ने मिलकर मेरा नाम प्रस्तावित किया, प्रथम मरणा हो, खेती राठौड़ हो, रामजी बिश्नोई हो, रंजीत सिंह जी हो, नरप्रताप बरवड़ जी हो, मान सिंह देवड़ा जी हो, मैंने नहीं कहा मुझे बनाओ पार्लियामेंट मेंबर, मैं तो मेरे लिए उम्मीदवार था, चुनावी हार चुका था मैं सजा प्रार्थी, ऐसा माहौल बना कि यही ठीक रहेंगे, एक स्वर में मुझे बनाया गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये साइकिल चलती रहती, ये साइकिल नहीं रहने वाली दिल्ली में। वाजपेयी जी को मैं याद दिलाता हूँ आपको, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उसमें मैं मुख्यमंत्री था राजस्थान के अंदर, हमारे साथ अच्छे संबंध थे वहां पर थे, उनके मंत्री लोग सब सहयोग करते थे, यशवंत सिन्हा वगैरह जो आज राष्ट्रपति उम्मीदवार थे, ये वित्त मंत्री थे, कभी हम गए होंगे तो हमें पूरा सम्मान मिला, काम किए हमारे वाजपेयी जी ने भी काम किए। आपको याद होगा चार अकाल पड़ गए थे उस जमाने के अंदर, मैंने 32 लाख मेट्रिक टन अनाज जिसे बांटा घरों के अंदर, घरों में बोरी रखने की जगह नहीं रही थी, गांव के अंदर बोरी रखने की जगह नहीं थी, बच्चियों की शादियां कटी गई उन्होंने गाँव बेच बेच करके उस जमाने के अंदर, वो भी मैंने देखा, एक आदमी भूखा नहीं सोने दिया उस वक्त मैंने। ये वसुंधरी कहती थी अशोक अगर जाके भीख मांग रहा दिल्ली के अंदर, हमारी सरकार थे वाजपेयी जी से गेहूं की भीख मांग रहा, मैं क्या वसुंधरी मुझे घर होगा अगर मैं मेरी जनता की भूख मिटाने के लिए भीख मांगू तो मुझे घर होगा। वो कहती थी भूख से मरेंगे, मैं भूख से मरने की बात छोड़ो, मैं भूखा नहीं छोड़ने दूंगा किसी को ही मेरा। और एक एक कर्मचारी लगा दिया मैंने कर्मचारियों को, ढूंढो लोगों को, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, संकोच के मारे गेहूं नहीं मांग रहा है, पता करो गेहूं पहुंचा उसके घर में, यहां तक मैंने तैयारी कर रही थी। इस प्रकार से उससे शासन किया हमने, सरकार चली गई फिर बाद में अलग बात है, मोदी जी आ गए सरकार चली गई, भाई प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे तभी लोग चुनाव जीतेंगे, अलग बात है, चुनाव हार जीत हुई है होती भी है सब जगह, पर कमी नहीं रखी गई कामों की। इतने मैं कहना चाहूंगा आपको, आज जो जिस प्रकार से हम गवर्नमेंट में चल रहे हैं, जो वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी, बने हुए 3-4 साल ही उनको हुए थे, 1998 में वो बनी थी, 2003 में चुनाव आ गए थे, उसके बाद प्रार्थना के दौरे बहुत किए थे उन्होंने अकाल छोके के अंदर, आपको याद होगा। चुनाव के पहले उन्होंने तमाम पोलिटिकल पार्टी से बातचीत करी, समन में बैठाया, और इधर वाजपेयी को जो उनके खास थे प्रमोद महाजन, बाद में तो उनके भाई ने उनकी हत्या कर दी, वो हमारे खिलाफ थे, सरकार बनाने में सहयोग था उनका, बीजेपी के राजस्थान में उनको घमंड आ गया कि राजस्थान में तो हमें उम्मीद थी नहीं जीतेंगे हम लोग, वहां तो सरकार वापस कांग्रेस की बनी हुई उम्मीद थी, वहां भी हम जीत गए हैं, छत्तीसगढ़ जीत गए, मध्य प्रदेश जीत गए, तो अगर वहां जीत गए इसका मतलब हमारे हमारी हवा चल रही है। और वाजपेयी जी उनकी बातों में आकर के 8 महीने पहले चुनाव करवा दिए पार्लियामेंट के, 8 महीने पहले, और खूब विज्ञापन दिए, जो अभी विज्ञापन आते नहीं आते हैं केजरीवाल जी के मोदी जी के, छाए रहते हैं, 5-5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं लोग, फील गुड, इंडिया शाइनिंग, इंडिया चमक रहा है, देश चमक रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, ये विज्ञापन पूरे देश में घूम रहे थे, किसी को विश्वास नहीं था देशवासियों को कि सरकार बदल सकती, सब सोच रहे थे वाजपेयी जी वापस बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। और आपने देखा, देखते देखते जनता ने पलटा खाया, कानों कान खबर नहीं लगी, और सोनिया गांधी के नेतृत्व में सरकार बनने की स्थिति बन गई। सोनिया गांधी ने कहा मुझे नहीं बनना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनाएंगे। आज गांधी फैमिली का 32 साल से, जब से राजीव गांधी की हत्या हुई है तब से आज तक 32 साल से कोई भी इनके परिवार का आदमी कोई पद पे नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर बने, ना केंद्रीय मंत्री बने कोई, ना कोई राज्य में मुख्यमंत्री बने, कुछ नहीं बने, खाली संगठन
क्योंकि हिंदुस्तान में तमाम कार्यकर्ताओं को, भाषा बोलने वाले लोगों को, जातियों को, वर्गों को, सबको लगता भी ये परिवार हमारे साथ न्याय करेगा संतन के अंदर। अब संतन वो काम संभाल रहे हैं, कोई मोदी जी की तकलीफ होती है, बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द होता है, तो भाई आपको दर्द क्यों होता है, आपको इतना डर क्यों लगता है फैमिली से। कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ईडी पहुंचेगी आपके घरों में, आपको बयान लेगी आपकी, पांच पांच दिन से बयान, 50 घंटे बयान राहुल गांधी का, सोनिया गांधी बुला ले 3 बार, बताइए पूरा सब बातें देश देख रहा है, महंगे की तरफ ध्यान नहीं इनका, भयंकर महंगाई है, महिलाओं का तो रसोई चलाना मुश्किल हो गया है, ऐसी महंगाई कभी देखी नहीं होगी, ऊपर जीएसटी ने दूध दही छाछ भी लगा दी, जीएसटी लगा दी है, नौकरी दे नहीं रहे लोग, हाहाकार मचा हुआ लोगों में, तो आज भयंकर स्थिति मन के अंदर है। हिंदू की बात है, देखता है हिंदू की बात है, कब तक आप हिंदू की बात पे राजनीति करोगे। अब धीरे धीरे जो मेरे पास फीडबैक आ रहा है, अब वो ढलान पर आने लग गया है, ढलान पर आ रहा है, लोग समझ गए हैं कि लंबा ये राज करने वाले खाली हिंदू हिंदू करके राज करेंगे तो वो भूखे मरेंगे क्या, हमारे बच्चों को नौकरी कैसे कर लगेगी, ऐसी कौन योजना लेके आ रहे कि प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा और नौकरी सबकी लग जाएगी, लोग समझने लग गए। आप लोग आज जो दिल्ली में रैली हुई, सब एमपी ने काले कपड़े पहने और महंगाई और बेरोजगारी की बात करी, और सब ब्लॉकों के अंदर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे दूताचार्य ने प्रोग्राम दिया, तो पूरे राजस्थान ब्लॉकों में जिला हेडक्वार्टर पे आप अच्छे प्रोग्राम किए, जयपुर में अच्छा प्रोग्राम हुआ, महंगाई और बेरोजगारी को लेके जनता ने देखा कांग्रेस सही रास्ते पर फैसला किया और ये हमारे लिए हमारे जो दर्द है उसको उठा रही है, ये कायदा होता है लोकतंत्र के अंदर। शाम तक घबरा गई सरकार, अमित शाह जी कहने लग गए कि आज का दिन जो है 5 अगस्त अमेरिका से आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि आज राम मंदिर की स्थापना मोदी जी ने पत्र की थी, इतने घबरा गए, अब राम मंदिर जुड़ने लगे उसको। मोदी जी बोलने लगे कि काले कपड़े में जो ब्लैक ब्लैक जादू कर रहे हैं लोग, जैसे टोना कर रहे हैं, ये स्थिति बन गई उन लोगों की। कहने का मतलब है कि वो समझ गए कि महंगाई का मुद्दा जो है बहुत भयंकर है, फेरी 4 तारीख को जो आपका आह्वान किया गया, मुझे सुनकर सलीम और नरेश जोशी इतनी खुशी हो रही है जब मुझे इन्होंने बताया साहब 400 टिकट तो अपने खर्चे से लोगों ने खरीद लिए हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि खुद के पैसे से टिकट खरीद लिए है लोगों ने, हमें के लिए ले गए थे, कई बार दर्श हमने भी करी है ट्रेनों की या बसों की है, पर टिकट खरीद के बैठना गाड़ी के अंदर ट्रेन के अंदर, और 400 लोगों ने बसों के लिए कह दिया आपको, रवि सोलंकी ने, बजीराम जाकर जी ने, कोई कमी नहीं आएगी, आप जो जाना चाहते हो बस स्टैंड ले जाओ, अपने खुद की कोई गाड़ी जाए तो उसमें जाओ, पर आपको अधिकारी लोग आने चाहिए इस बार, क्योंकि जो राजनीति चल रही कांग्रेस के अंदर भी लोगों को लगती है कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है, बड़े बड़े हमारे बड़े बड़े जो नेता है बड़े बड़े उनको ही लगती है कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है, साहित्यकारों को भी कई बार, पत्रकारों को भी कई बार, लेखकों को भी, और लगता भी है कि दिल्ली में जो माहौल देखते हैं। आज मैं कह सकता हूँ आपको यदि आप लोग बैठे हो, कांग्रेस पूरे देश के अंदर एकमात्र पार्टी आज भी है, बीजेपी नहीं है, बीजेपी नॉर्थ इंडिया में खाली है आपको, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी इधर है, नॉर्थ में है, साउथ में इसको कोई नहीं पूछता है, इनको अंदर घुसने दे ही नहीं रहे वो लोग, खाली बार बार कर्नाटक में एक घुसे एक बार, वो भी पैसा खर्च करके जगह बना ली, वरना ये कहीं नहीं घुस पाए, ना केरल में, ना आंध्र प्रदेश में, थोड़े बहुत तेलंगाना में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ना तमिलनाडु में, कहीं नहीं घुस पा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में ये जिस प्रकार राजनीति तिकड़म बार की कर रहे हैं, वहाँ पे सरकारें तो जो सरकार बनती केंद्र में है,
उनकी सगा में बन जाती, मैं 40 साल देख रहा हूँ। कहने का मतलब यह है, आज भी राष्ट्रीय पार्टी कोई है देश में तो वो कांग्रेस पार्टी है। आप घर में मजबूत रहोगे, मान सम्मान रहेगा। ये जितनी गए ना पार्टी छोड़ छोड़ के, कोई वहाँ यूपी मंत्री बन गए हैं, कोई केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, कोई बीजेपी ज्वाइन कर ली है, ये इनकी अंतरात्मा कैसे गवाह देती होगी। आप यहाँ कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री भी थे, बड़े बड़े पदों पर रहे हो, कैसे आप घर छोड़ के जा सकते हो। जब हमारी लड़ाई को दुश्मन नहीं थोड़ी मोदी जी, हमारी कोई हमारी दुश्मन किसी से नहीं, ना आरएसएस से ना बीजेपी के से, हमारी लड़ाई है प्योरली विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा हमारी क्या है, वही है जो संविधान में क्या लिखा हुआ है, और संविधान से देश चलता है। कानून का राज होगा तो देश चलेगा, सब सुरक्षित रहेंगे। कानून का राज नहीं होता, गुंडागिरती होती है, डकैती होती है, मारपीट होती है, सब कुछ होता है, और वो सुनवाई नहीं होता पुलिस के अंदर, तो राज कहाँ कानून का। तो मेरे मतलब कहने का ये है कि ये स्थिति रखो, हालात देश के दुनिया के आपको मालूम होने चाहिए। हालात वैसे वैसे बन गए हैं कि लोगों में भी डिवाइड हो गया, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आप मजबूत रहो, हम अपने बात विकास ही कर रहे हैं। अभी जो काम हमने किया, बजट पेश किया मैंने, उस समय मैंने अनुभव लिया जोधपुर जिले के, जहाँ पर गांव हो चाहे कस्बे हो चाहे शहर हो, जहाँ मैंने राजनीति की है एमपी बनने के पहले भी, एमपी बनने के बाद में भी, अकाल में, सूखे में, बरसात में, कच्ची बस्तियों में जाना, गरीबों के घर जाना, मैंने सब कुछ किया मैंने। वो मेरा अनुभव काम आ रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, शास्त्री करने के अंदर। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, जो आज मैं सीन देख रहा हूँ, ऐसे सीन में मेरे वक्त देखता था, उससे मजबूत देखता हूँ आज तो मैं। 400 रोटी का घर लिया, इसका मतलब आप लोग दर्द जानते हो गरीब का, कि महंगाई की मार कितनी भयंकर है, किस प्रकार बेरोजगारी है। ये लीडर्स की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप जन की भावना उनके नर्व पे हाथ रखोगे तो राजनीति कर पाओगे। अगर आप आज केंद्रीय योजना की बात की गई है, 38,000 या 38 लाख लोग हैं, क्या बताएं वो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जोधपुर में, 44,000 अभी तक नहीं जुड़े हैं, मान लो केंद्रीय योजना से। कौन लोग हैं वो? वो लोग वही है जो कोरोना के अंदर मैंने क्या किया, 40,000 के इंजेक्शन फ्री दिए लगाए, 10,000 के फ्री लगाए, पूरा इलाज फ्री के रहते हैं, ऑक्सीजन कमी नहीं आने दी मैंने, दवाएं के लिए मैंने चाहे चार्टर प्लेन भेजा हो दिल्ली बॉम्बे में भेजा मैंने, भाई एक दिन ढीले नहीं होना चाहिए। पर साथ में मैं कहना चाहूँगा कि अगर 44,000 लोग रहे हैं, ये कोरोना के अंदर मैंने क्या किया है, जो लोग प्लेटफॉर्म में सो जाते हैं रात को, सड़कों में सो जाते हैं, ऐसे कई लोग हैं गरीब, या लॉकडाउन हो गया सब बंद हो गए घरों में, तो जो ठेले वाले खड़े होते हैं घंटाघर में या कहीं पे भी, उनके ठेले वाले तो बंद हो, ठेले बंद हो गए क्योंकि सब लॉकडाउन में घर में बंद है, उनकी कमाई बंद हो गई। तो मैंने उन लोगों को ढूंढ ढूंढ करके 35 लाख लोगों को मैंने 5 बार में 1,000 रुपये भेजा उनके घरों में, 1 बार 1,500 रुपये भेजा उनके, तो भाई वो तकलीफें नहीं रहनी चाहिए। उसी प्रकार से आप अगर केंद्रीय योजना में 44,000 लोग रह रहे हैं, आपके गांव में, ढाणी में या शहरों में, ब्लॉक में, वार्ड में, हमारे पार्षद में बैठे हैं, अगर ये आप जाके ढूंढ ढूंढ के उनके कार्ड बनवा दोगे तो वो आपको कभी भूल नहीं सकते, बोले देखो उसे कार्ड इन्होंने बनवाया मेरा। ये तो है, गांधी जी ने कहा था राजनीति का मतलब ही समाज सेवा है, आधार राजनीति का समाज सेवा होना चाहिए। अगर समाज सेवा करोगे आपके काम पड़ेगा तो वो लोग आपको इसलिए सपोर्ट करेगा, भाई मेरे सुख दुख में काम ही आया था। ये तो राजनीति, और राजनीति क्या है, बिना समाज सेवा के कोई राजनीति नहीं है। और इसके लिए जरूरी है हम संवेदनशीलता के साथ में अपने जीवन बिताएं, हम किस प्रकार से गरीब की, मोहल्ले वाले की कोई सेवा करने का मौका मिले, छोड़े नहीं मौके को। महंगाई की आवाज उठाओगे, मैं धरना देके बैठता था सुरस्ती गेट पे,
बैठने वाले 50-60 लोग होते थे खाली, मान लो 100 लोग होते होंगे, पर जो निकलते थे पास से साइकिल पे मोटरसाइकिल पे, वो रुक जाते थे साइड के अंदर भी क्या हो रहा है यहाँ पर, बोर्ड लगे होते थे मान लो, रजिस्टर पड़ा रहता था, वो साइन कर दिया कि मैंने वो सपोर्ट में आ गया। ये आपसे जुड़ गया वो आदमी जितने साइन किया आके टेंट में बैठा है, या कार निकली तो दूर से देखा कि काहे के लिए बैठा, महंगाई के खिलाफ धरना है मान लो, तो उसकी भावना वही है, तो वो जुड़ गया आपसे। कांग्रेस में जब तक आप लोग जोड़ोगे नहीं तो आप कांग्रेस कमजोर होगी, जोड़ना जब जोड़ेंगे तब आप उनकी सेवा का काम करोगे। अभी आप मान लो 44,000 लोगों को आप लोग घर घर जाके उनको फॉर्म भरवा देते हो, कार्ड बनवा देते हो, ये सेवा की सेवा हो गई, वो लोग जुड़ गए आपसे, वो आपके घर काम आएंगे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इस प्रकार से आपको राजनीति करनी पड़ेगी तब जाके आप, बाकी तो अग्निवीर ला रहे हैं आप, तो अग्निवीर ला रहे हैं, 18 साल में ज्वाइन करेगा वो नौकरी, हथियार चलाना सीखेगा और 4 साल 22 साल होगा तब वो रिटायर हो गया, तो आप तो वो क्या करेगा बाहर रिटायर होने के बाद में क्या करेगा, खतरनाक खेल खेल रहे लोग। 25 करोड़ लोगों को नौकरी लगाएंगे, बाकी तो तुम अपने तकदीर पे हो। ये ऐसी सी स्कीम लेके आए कि जितना बोलो उनके खिलाफ उतना कम है, महंगाई की बात ये नहीं करेंगे, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी उसी बात नहीं करेंगे, पर आप बताइए हमारी सरकार ने तय किया कि हम बजाय इसके हम चाहेंगे कि कैसे हम ऐसे वक्त में कैसे व्यक्ति की सेविंग हो वो स्कीम लागू करें, जिससे कि बचत कर सके वो आदमी खाने पीने के लिए और कामों के लिए। बेरोजगारी में नौकरी लगने के लिए महंगाई का अलग जमाना है, तो उधार ले लेंगे कब तक वो घर घर चलाएगा अपना। तो हमारी तो पॉलिसी भी ये है सोशल सिक्योरिटी की है, जिसको भी आज नाम देते मोदी जी रेवड़ी रेवड़ी कल सर रेवड़ी अपन मिल जाती जो खाते थे, वो रेवड़ी होती थी मिल जाती, वही थी रेवड़ी, वो तिल की रेवड़ी, मैंने तो वही सुना रेवड़ी वाली बात, ये रेवड़ी पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आए, रेवड़ी 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 करने लग गए, सुप्रीम कोर्ट में बेचने लग गया, रेवड़ी पे सुप्रीम कोर्ट बहस कर रहा है कि रेवड़ियां बटे नहीं बटे, बताइए आपकी स्थिति है। कहने का मतलब यह है कि ये कोई रेवड़ियां नहीं है, ये अधिकार है आदमी का। मोदी जी दुनिया भर में घूमते इनको नहीं मालूम है, अमेरिका इंग्लैंड जर्मनी जापान इटली सब जगह नहीं है यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी, 20 दिन पहले मिलता है आप हर इंसान को, तकलीफ को नहीं देना चाहिए, भूखा को नहीं देना चाहिए, दुनिया भर में मिलता है पैसा, कोई तरीके रुपये अपने होते हैं, कोई डीबीटी करता है, कोई स्कीम लाता है। अगर राज्य सरकार स्कीम लाती है तो ऐसा नहीं लाती कि बिना सोचने में ले आए, बाकायदा हम तो कर्ज नहीं ले सकते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे आज सब देश के अंदर सरकारें चलती कर्जे में चलती है, भारत सरकार खुद ही कर्जे में चल रही है, पर कर्जे लेने के फॉर्मूले हैं, बिना केंद्र सरकार की परमिशन के राजस्थान सरकार 1,000 रुपये कर्जा नहीं ले सकती है, और परमिशन तब मिलती है तब जो आपका एक्ट बना हुआ है उसके अंतर्गत आप उसमें सीमित होकर नहीं हो, आपकी स्थिति वो हैक नहीं है चुकाने वाली, तब कर जाता है। तो ये जो बहस देने छेड़ देते हैं मुझे लोगों को ध्यान बढ़ जाता है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, ग्रामीण ओलंपिक शुरू किया है, गाँव में लोग बैठे हुए हैं, पहली बार देखता हूँ खेल रहे हैं गाँव के लोग, बूढ़े भी खेल रहे हैं, जवान भी खेल रहे हैं, छात्र भी खेल रहे हैं, कबड्डी 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 देख रहा हूँ खेल रहे हैं, खो खो खेल रही हमारी छोटी छोटी बच्ची है, खो खो खेल रही है, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये माहौल राजस्थान भर में बना। 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है खेलने के लिए, 30 लाख लोग, और 2 लाख 30 लाख में 10 लाख महिलाएं हैं, और 2,25,000 टीमें बनी है खेलने वालों, 2,25,000 टीमें बनी है छोटी। आप कल मैं गया पाल में महेंद्र विश्व के क्षेत्र में, क्या बच्चों में उत्साह था देखते बनता था, तो हम चाहते हैं कि राजस्थान भी आगे रहे स्पोर्ट्स के अंदर भी,
ओलंपिक के खेल होते हैं, देखते हैं कि कोरिया, जर्मनी, जापान छोटे छोटे कंट्री है, अमेरिका, इंग्लैंड या चाइना, इतने मेडल ले जाते हैं कि हम तो एक मेडल नहीं बदले पाते, नॉट ए सिंगल, एक भी नहीं आता मेडल, गोल्ड मेडल हमारे। तो अब भी देश में माहौल बनाना चाहिए, हम राजस्थान की बात कर सकते हैं, खेलों में हमने करोड़ों रुपए दे दिए, एवार्ड के अंदर नौकरी लगा रहे हैं DYSP तक की, एवार्ड विनर्स को उतना हमने कोशिश करी है, शहरों में रोजगार, देश में राजस्थान राज्य है जहाँ पर नरेगा की तरह शहरों में भी गरीब मजदूरों को रोजगार मिलने की उन्होंने तय किया है। बजट घोषणा मेरी थी 9 सितंबर से हम लोग 1.5 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है लगने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि वो काम बहुत अच्छा हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं केरला से, पूरे देश भर में क्रॉस करेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी वाली बात है, दिन दिन रास्ते में लोग मिलते जाएंगे। मैं समझता हूँ महंगाई और बेरोजगारी और देश में जो माहौल बना गया है, मैंने प्रधानमंत्री जी बार बार रिक्वेस्ट करी, एक अपील आप कर दीजिए देशवासियों के नाम पे कि मैं चाहूँगा देश में शांति, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना रहे और हिंसा को मैं किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करूँगा, इतना ही बोलना हूँ। अभी तक नहीं बोल पा रही, क्यों नहीं बोल रहे वो? एक बार बोले थे, वो सरकार जब बनी थी 14 के अंदर एक बार बोले थे, लीचिंग हो गई थी अलवर के अंदर, तब पहलू खां की थी किसी की थी, तब बोले थे वो, तो लोगों ने वेलकम किया कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये असामाजिक तत्व है, एंटी सोशल एलिमेंट है। पता नहीं बाद में क्या दबाव पड़ा हुआ उनके ऊपर, अब उनकी बोलती बंद हो गई है, बोल ही नहीं रहे वो। हम मांग कर रहे हैं उनसे, बोलो आप प्राइम मिनिस्टर देश के, आपके बात का वजन है, आप एक थाली भर गई थी, थाली भर गई थी, तो आप अपील तो करो कम से कम, क्यों नहीं करें प्राइम मिनिस्टर अपील? जब वो अपील नहीं करते नीचे वाले वो कैसे बिहेव करते? फिर जोधपुर में देखो ना, जोधपुर दंगे भड़का दिए, यहाँ जमल गेट पर कोई कारण नहीं था, करौली में हो गया, 1 घंटे का दंगा हुआ मामूली सा, नुकसान दुकानें जल्दी कर दी, 1 घंटे में सब कुछ हो गया। 20 दिन तक पूरे देश का मीडिया बोलता रहा करौली करौली करौली, ये मीडिया वाले खुद ही ये खड़े तो है मेरे सामने, फिर चलती वलती कुछ नहीं है, ये जो मीडिया वाले लेते रहे बेचारे मेहनत करते हैं, पर इनके मालिक लोग जो है इनको टाइट रखते हैं, तो ज्यादा दिखाते नहीं, दिखा नहीं सकते, ये स्थिति है। तो 20 दिन चलाते रहे जोधपुर दंगे, और अरे भाई एक कैजुअलिटी नहीं हुई, नुकसान हुआ हम भरपाई कर रहे हैं, और ये दंगे नहीं होने चाहिए थे, कोई कोई कॉन्स्पिरेसी होगी। तो कहना मतलब ये तमाम बातें जो है, आपको लंपी की बीमारी आई हुई गायों में, अभी उसके लिए मैं अपील करूंगा आप सबसे कि हमने मांग की भारत सरकार से कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, क्योंकि तभी जाके, अभी ना तो इसमें टीका है ना दवाइयां है, और गायें बेचारी तरह तरह के मर रही है, बहुत बुरी हालत में मरती है, ऐसी बीमारी हुई है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बीमारी के लिए हम तो जो दवाइयों का प्रबंधन कर रहे हैं, वैक्सीन की है नहीं, बकरियों में वैक्सीन लगा रहे हैं इनको, अब कहते हैं भारत का 1 महीने में तैयार हो जाएगी, देखते हैं क्या होता है। पर साथ में आयुर्वेद और होम्योपैथी, हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि उनसे बहुत अच्छा इलाज उनका हो रहा है, जो रिपोर्ट आ रही है, तो हमने दोनों विभागों को कहा कि आप जाके गांव गांव में पता करो होम्योपैथी या आयुर्वेद में क्या आप कर सकते हो, उनको गाइड करना चाहिए, मेरा मानना ही है। बाकी तो जो हालात हैं देश के उसको तो मैं क्या बताऊँ, 4 तारीख को रैली जो है, मैं भी आपसे अपील करूंगा कि आप कोई कमी मत रखना, हर संभव इस बार रैली में आए, ये रैली पब्लिक इंटरेस्ट की रैली है, दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर तब जाके वो कदम उठाएगी महंगाई कम होने के भी और बेरोजगारी के भी, दबाव लोकतंत्र में डालना बहुत आवश्यक होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप 4 बजे बैठे हो, आप लोग बैठे हो, और मेरा आना वास्तव में
500 मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी है, 500 वीडियो कॉन्फ्रेंस हमारे वहाँ सिस्टम है वहाँ जयपुर में, हर गांव जुड़ जाता है उससे, हर गांव जुड़ जाता है, वहाँ लोग बैठते भी पढ़ते हैं। 4-5 दिन पहले महिलाओं का प्रोग्राम था, 6,000 महिला जयपुर बैठी थी, पर हर जगह पर 500 महिला बैठी हुई थी, वो दिख रही थी टीवी के अंदर। ऐसे इक्विपमेंट लग गए कि आप पूरी मीटिंग कर सकते हो, सारे अधिकारी मंत्री लोग सब लोग बात करते थे, अपने लगता है अपने बात कर रहे हैं, मिलके बात कर रहे हैं ऐसा लगता है। 500 मीटिंग मैंने करी कोरोना के वक्त में, फिर कोरोना मेरे 2 बार हो गया, फिर मेरे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और मैं बच गया। तो कहना मतलब इसलिए मैं आ नहीं पाया पहले भी, और पहले मैं आते ही था। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ, मैं 1 साल तक रहा वहाँ पे गुजरात के अंदर, दीपावली में वहीं रहा क्योंकि चुनाव में आप जानते हो कि मोदी जी का और अमित शाह का राज्य है, तो पूरी कोशिश करें हम अपनी कोशिश करते हैं, और उन्होंने फाउल खेल लिया, 10-12 सीट कम रह गई वरना सजा बदल देते हम उस वक्त में। राहुल गांधी ने खूब मेहनत करी वहाँ पे, और आप लोगों ने बड़े अप्रिशिएट किया मेरे गुजरात के कैंपेन को, आप सबने अप्रिशिएट किया था, मुझे याद है उस वक्त। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोग राजनीति में कार्यकर्ता हैं, उचित ढंग से आप समाज सेवा का ध्यान रखें, और दोनों अध्यक्ष आपके नए बने हैं, तंत्राई साहब ने बहुत लंबी इनिंग खेली है, पहले जुगल काबरा जी ने लंबी इनिंग खेली, फिर इन्होंने लंबी इनिंग खेली, दोनों ने इतिहास बना दिया जोधपुर के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि अब जो दोनों नौजवान आए हैं ये आप सबको साथ लेके चलेंगे, और बूथ वाइज कमेटी बने हमारी, अब बीजेपी तो 15-15 बातें कर रही है, वो राजनीति करने खेल करने के लिए कहती रहती है, हम बूथ कमेटी बनाए बकायदा, लोकतंत्र में चुनावी राजनीति होती है उस पर पूरी भागीदार निभाए, और जब कभी आपको बुलाते हैं आप आते ही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और हम मजबूती के साथ उभर के आएंगे और अच्छे दिन आएंगे। मोदी वाले अच्छे दिन तो आए नहीं है, मोदी जी के अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने कहा काला धन लेके आऊंगा, काला धन अभी तो ले आए भी, अब उसको भूल गए क्या, नहीं भूल गए, मैं नहीं खत्म कर लूंगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते गए, उठ कम करने के ज्यादा बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, कहाँ उन्होंने जो 14 का भाषण सुन लो उनका, अगर मोदी जी का 14 का भाषण सुन लो आप लोग, तो मैं कैंपेन के लिए जूत ही नहीं पड़े, लोग समझ जाएंगे भाई कि रात दिन का फर्क है। तो जो बातें कही उस पर बोल बोल के पूरे हिंदुस्तान में कैंपेन किया उन्होंने, जो बातें बोली सब बातें भूल गए वो। इतने मैं आपको अपील करना चाहूंगा, कांग्रेस मजबूत संगठन है, आप मजबूती के साथ में इनके साथ खड़े, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, और आप सही रास्ते पे हो, सत्य के साथ हो, सत्य के साथ हो, सत्य में नहीं है कोई बात नहीं, सत्य में कब आएंगे नहीं आएंगे अलग बात है, आते रहेंगे आएंगे, देश समझ जाएगा, पर आप लोग मजबूत रहो, रास्ता सच्चाई का यही है, रास्ता संविधान वाला यही है जिसे देश चलता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कमी नहीं रखेंगे। ये बात करता हुआ मैं विजय राव एक एडवोकेट है, मुझे बताया गया कि जलियांवाला बाग गए थे वहां पर, जलियांवाला गए थे वो यहाँ बैठे होंगे तो ऊपर आ जाए एक बार, तो मुझे खुशी है कि ये जज्बा है, पैदल गए थे वहां, पैदल पदयात्रा करी थी उन्होंने, ये है देखिए आप, विजय राव नाम इनका, ये है एडवोकेट है, ये युवा शक्ति नाम है, युवा शक्ति संगठन है, और ये भगत सिंह और इन्होंने उत्तम सिंह की मूर्ति लगाई हुई, फोटो लगाई हुई है, ये पदयात्रा गए एक मुट्ठी जलियांवाला बाग पैदल यात्रा भारत से पाकिस्तान, ठीक है, गेट ऑफ इंडिया मुंबई से जलियांवाला बाग अमृतसर तक, बोला आप नहीं सर, ये देखिए एक्चुअली 2019 में जलियांवाला बाग की मिट्टी जोधपुर में थी और कुछ चूक रह गई थी, आज जलियांवाला बाग की मिट्टी सर को इसलिए दी जा रही है इसका वास्तविक सम्मान हो। ये जो जलियांवाला बाग की मिट्टी में आपको एक छोटी सी सर से परमिशन लेके वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब देश गुलाम था
2019 में पत्रकारों ने एक सभा बुलाई थी और उस सभा के अंदर आम हिंदुस्तानी शामिल हुआ था अंग्रेजों के काले कानून के खिलाफ, जब उन्हें बोलने से अपनी आवाज रखने से रोका जा रहा था। उस समय जलियांवाला बाग में एक दरवाजा था, उस दरवाजे में हिंदू मुसलमान और ना ऊंच नीच थी ना नीच थी, सभी लोग उस जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और अंग्रेज हुक्मरान ने एक आदेश पर कतलेआम वहां गोलियां चलवा दी और वो जलियांवाला बाग की मिट्टी हमारे हिंदुस्तान के शहीदों के खून से सन गई थी। और दो बच्चे थे जलियांवाला बाग में, एक थे शहीद उत्तम सिंह, एक शहीद भगत सिंह। दोनों ने उस मिट्टी को उठाया और उस मिट्टी से वादा किया कि हम देश के लिए कुछ करेंगे और करके दिखाएंगे। सरदार उत्तम सिंह ने कसम खाई और जनरल डायर को मारकर अपनी कसम पूरी की उस मिट्टी के लिए, और भगत सिंह ने देश के लिए जान देकर इस मिट्टी से किया हुआ वादा पूरा किया। आज हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे थे, केंद्र सरकार ने कहा कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, तब हमने एक प्रण किया कि तिरंगा तो तब होगा जब उसके नीचे एक शहीद की तस्वीर होगी। तब हमने जोधपुर से एक आह्वान किया था, गेट ऑफ इंडिया गए, गेट ऑफ इंडिया से हम पैदल रवाना हुए जहां से अंग्रेज गए थे। गेट ऑफ इंडिया से हम 23 फरवरी को सरदार अजीत सिंह की जयंती से रवाना हुए और पहला चरण 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत के दिन हम जोधपुर में आए थे 1000 किलोमीटर। उसके बाद में हम 23 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की जयंती से जोधपुर से भगत सिंह मूर्ति स्थल से रवाना हुए और 15 अगस्त को जलियांवाला बाग हम पहुंचे। 1800 किलोमीटर की दूरी हमने 29,70,000 कदमों से तय की और ये मिट्टी सर को इसलिए दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स है जो जोधपुर की एक मुट्ठी बाजरे से कभी मिट्टी में मिलने से नहीं डरता। वो कार्यकर्ता है, वो आवाज है हिंदुस्तान के विपक्ष की, वो आवाज दे रहा है, इसलिए यह मिट्टी सर को देने का मेन औचित्य यही है। इंकलाब जिंदाबाद। एक और छोटी बच्ची दिया पारीक को मंच पर बुलाना चाहता हूं, जो अपनी छोटी सी पॉकेट मनी की बचत की उसने, वो गुल्लक लंपी नामक जो रोग। आप सभी लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे।